गाइज, हम में से ज़्यादातर HM स्टूडेंट्स का एक ऐसा प्लान था कि हम अपने ITs को एब्रॉड से करेंगे, और जो लोग ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों का भी प्लान था कि हम अपने जॉब्स को एब्रॉड में लेंगे। लेकिन अभी के सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि हम जो सोचते थे वो गलत है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर एब्रॉड जाना अभी के टाइम पर पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो इसके पीछे कौन कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जिसको हमें पार करना पड़ेगा। तो गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो देन डू सब्सक्राइब हिट द लाइक बटन और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कोविड के बारे में। आखिर गाइस, हम लोगों के जितने भी प्लान्स थे एब्रॉड जाने के, एब्रॉड में सेटल होने के, या फिर एब्रॉड में ट्रेनिंग करने के, उन सब में पानी फेर दिया ये कोविड ने। आखिर गाइस, हुआ ये था कि जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बैन किया गया था, तब भी एक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया था कि इस टाइम के अंदर सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रिज्यूम कर दिया जाएगा। पहले बोला गया था कि मई मंथ को सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम हो जाएंगे, फिर बोला गया जून मंथ को, फिर बोला गया जुलाई मंथ को। अभी गाइस चल रहा है अगस्त का महीना, अभी तक सारे फ्लाइट्स बैंड है 31st ऑफ अगस्त तक। अभी गाइस, ये बैन कितना दिन तक रहेगा इसके पीछे कोई भी एक पीरियड नहीं दिया गया है। और गाइस, इसके पीछे का रीज़न है कोविड का ये अनप्रेडिक्टेबल ग्राफ। अभी गाइस बात करें अगर इंडिया के बारे में, तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कोविड के केसेस कम होते हैं, फिर दूसरे ही दिन हम देखते हैं कि कोविड के केसेस अचानक से बढ़ जाते हैं। गाइस, यही अनप्रेडिक्टेबल नेचर की वजह से हमारी गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर डिसीजन में नहीं आ पा रही है कि आखिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद किया जाए या फिर उसको वापस चालू किया जाए कि नहीं किया जाए। इसीलिए गाइस, हम लोग देखते हैं कि हर महीने हर जब डेडलाइन जब क्रॉस होता है, उसके बाद वापस से वही बैन को वापस से एक्सीड कर दिया जाता है। अभी गाइस, ये एक्सीड कितने दिन तक चलेगा, कितने महीने तक चलेगा, इसके पीछे कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन नहीं दिया गया है, या फिर इसके पीछे हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि कब ये खुलेगा। अभी गाइस, इस वीडियो के मेन टॉपिक में आते हैं कि आखिर एब्रॉड जाना अभी के टाइम पे पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है भी तो हमको कितने सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं आपको एक सर्वे के बेसिस के ऊपर बताता हूँ कि जितने भी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जो लोगों ने एब्रॉड के लिए अप्लाई किया था कोई भी कंट्री के लिए, उनमें से गाइस 40% स्टूडेंट्स ने बैक ऑफ कर लिया है। यानी कि 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अपने अपने कंसल्टेंसी से रिफंड लेके वो लोग इंडिया से अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं। गाइस, इसके पीछे का जो रीज़न है ये बहुत ही सिंपल है। गाइस, असल में क्या है कि हम लोग जो IT करने जाएंगे अब्रॉड, यहाँ पे दो तरह के लोग निकल के आते हैं, एक जो कि रिस्क लेना चाहते हैं और दूसरे जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते। अभी गाइस, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग गाइस वेट करेंगे, क्योंकि वेट के सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक कि बॉर्डर्स नहीं खुलते, जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स वापस रिज्यूम नहीं होते, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। सारे लोग हमेशा अपने अपने कंसल्टेंसीज को पूछते रहते हैं कि कब वो लोग जा पाएंगे, कब वो लोग जा पाएंगे, लेकिन कंसल्टेंसीज का सिर्फ एक ही आंसर रहता है कि जब तक फ्लाइट बैन नहीं हटता हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो लोग टेक्निकली एकदम सही बोलते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, जब तक गवर्नमेंट नहीं खोलेंगे तब तक वो क्या करेंगे। अभी गाइस, दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते, वो गाइस क्या करते हैं कि अपने अपने कंसल्टेंसी से वो लोग रिफंड लेके वापस इंडिया से ही ID करते हैं। अभी गाइस, आप लोग अगर मेरी ओपिनियन के बारे में पूछोगे कि मैं क्या करना चाहूँगा इस सिचुएशन में, देन डेफिनेटली मैं कभी भी रिस्क नहीं लूँगा। क्योंकि गाइस, हम लोगों का जो 3 साल का कोर्स रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल के कोर्स के अंदर तो उन लोगों ने सिर्फ 1 साल कॉलेज किया, बाकी 1 साल तो वो लोग घर पे थे, रहा सिर्फ 1 साल। उस 1 साल में से भी डेडलाइन से बार बार जाता रह रहा है, एक्सीड करता रह रहा है, क्योंकि कोविड के केसेस मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, जिसकी वजह से हम लोग एक स्पेसिफिक डेडलाइन में नहीं पहुंच पा रहे कि कब फ्लाइट्स को रिज्यूम किया जाएगा। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने अपने रिफंड लेके वो लोग इंडिया से ही ID करते हैं। और मैं भी गाइस कभी भी रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि गाइस डेफिनेटली जहां पे करियर का सवाल आता है, आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज माय करियर विद अब्रॉड। अब्रॉड जाना गाइस फ्यूचर में भी कोई जा सकता है, लेकिन उसके लिए अगर मैं वेट करूंगा तो मेरा यहाँ पे टेन्योर खत्म हो जाएगा। अभी गाइस, बाकी आप क्या करना चाहते हो नहीं चाहते हो वो तो आपके ऊपर है, डेफिनेटली आपका जो डिसीजन है, आपका डिसीजन ही हमेशा फाइनल डिसीजन रहता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी ओपिनियन शेयर किए, आपको गाइस क्या लगता है इस वीडियो के बारे में डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको क्या लगता है आप क्या करना चाहते हो वो भी मुझे डेफिनेटली बताना गाइस।